हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फन मंत्री सुबह में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग घर में बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज की टॉपिक है कि अगर हम फ्लिपकार्ट से या कोई भी ऑनलाइन साइट से हम शॉपिंग करते हैं तो हम सही सामान का कैसे पता लगा कि ये सही सामान है, इसका क्वालिटी बढ़िया है। क्योंकि कभी कभी आप लोगों के साथ या मेरे साथ खुद हुआ है कि ये सामान तो हम 2000-3000 का ले लेते हैं लेकिन उसका क्वालिटी सही नहीं रहता है, बाद में हमको रिटर्न करना पड़ता है या रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो अब मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कोई भी साइट से अगर शॉपिंग करते हैं तो आपको क्वालिटी बढ़िया मिलेगी। वो फ्लिपकार्ट हो, स्नैपडील हो, अमेजोन हो और कोई भी कंपनी हो, तो आप उससे शॉपिंग कर सकते हैं। एक बार में ही आपको क्वालिटी बढ़िया मिलेगी। तो उसके कुछ ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, उसके कुछ बेसिक मेथड है जो कि अगर आपको पता है तो आप आसानी से एक बार में ही कोई बढ़िया जो भी सामान आप परचेज करते हैं तो वो बढ़िया सामान आपका आएगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। उसके लिए 2-3-4-5 चीज है जो कि अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से कोई भी प्रोडक्ट का नॉलेज में ला सकते हैं कि ये प्रोडक्ट बढ़िया है ये नहीं है। तो उसके लिए मैं कुछ आपको ट्रिक बता देता हूँ और मैं वो आपको अपने स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो आपको कैसे कोई भी सामान परचेज करना है तो मैं आपको अपने स्क्रीन पे दिखाता हूँ। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे फ्लिपकार्ट खोलते हैं, ठीक है। फ्लिपकार्ट खोलते हैं, उस पर हम सर्च करते हैं ब्लूटूथ स्पीकर। किस तरह से हमें कोई भी प्रोडक्ट को देखना है, क्या देख के हमको प्रोडक्ट खरीदना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर बोट रग्बी 10 वाट का लिखा हुआ है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 4.3 रेटिंग है इसका, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे इसका देखना, ये वाला पार्ट देख लेना। यहाँ पे आप देख रहे हैं साउंड क्वालिटी 4.4, बास 4.5, डिजाइन एंड बिल्ड 4.2, बैटरी एंड बैकअप 3.9 है। तो 3.9 है तो सही है, 1200 कुछ दाम है तो उतना सही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे उसका फोटो देख सकते हैं क्योंकि पिक्चर में कुछ और दिखाता है और आने के बाद कुछ और। तो यहाँ पे जो लोग मंगवाए रहते हैं वो फोटो अपना डाल देता है, तो वहां से आप पता कर सकते हैं कि इसका लुक देखने में कैसा लगेगा। और जैसे ये हो गया, अब मैं जैसे ये 949 का है, तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इसका 4.3 रेटिंग है लेकिन यहाँ पे इसका बैटरी बैकअप 2.4 है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसका बैटरी कितना देर चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। इसका फोटो देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से आप इसका लुक भी देख सकते हैं कि इसका लुक देखने में कैसा है कैसा नहीं है। अगर अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका आप देख रहे हैं यहाँ पे हर एक चीज में 4.7 है, बस 3.9 है, चलेगा 3.9, बट ये बैटरी बैकअप 2.4 है। तो ये लेने से कोई फायदा नहीं क्योंकि बैटरी आपका नहीं चलने वाला है। पहला आपको सबका रेटिंग देख लेना है, दूसरा आपको उसका देख लेना कि कितना पॉइंट क्या चीज है उसका, और उसके बाद तीसरा आपको रिव्यू देख लेना है। और अब बताता हूँ, जैसे आप सूज अगर सर्च करते हैं, ठीक है, तो जैसे सूज मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सूज, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं सूज सर्च करता हूँ, ठीक है। सूज में आप जाइए, कोई भी सूज, जैसे ये देख लीजिए एशियन का 679 का है, इसका रेटिंग 3.8 है। अब इसके क्वालिटी पे आते हैं हम, तो आपको सबसे पहले लुक देख लेना है कि पहनने के बाद ये लुक कैसा लगता है। देख रहे हैं आप इस तरह से लुक आएगा आपको पहनने के बाद। तो दूसरा ये आपको सबसे पहले लुक देख लेना है कि कैसा लुक है। उसके बाद आपको लुक देखने के बाद आपका सबका रेटिंग पर वो सबका रिव्यू पढ़ लेना है, हाँ क्या रिव्यू है सबका। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सबका बढ़िया है, एक दो आदमी का रिव्यू उतना बढ़िया नहीं। तो अगर आप इस रेंज में लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए सही है। आप कोई भी प्रोडक्ट ये रेटिंग वगैरह देख के आप खरीद सकते हैं, इससे 100% गारंटी है कि आपको क्वालिटी बढ़िया मिलेगी। और जैसे मान के चलिए अब हम कोई जींस सर्च करते हैं, जैसे मैं रोडेस्टर का आपको जींस सर्च करके दिखाता हूँ, रोडेस्टर जींस, ठीक है। तो अब कोई भी क्लॉथ अगर हम कैसे लें, तो जैसे ये मान के ऊपर में है 899 का ब्लैक जींस है, तो इसको इसका रेटिंग देखे 3.8 है। पहला तो हमको रेटिंग देख लेना है, दूसरा क्या देखना है, दूसरा हमको लुक देखना है, तो लुक कैसा है। तो अब देख रहे हैं लुक नहीं, बस एक लोग की फोटो डाला है तो उतना अच्छा से तो डाला नहीं है। तो अगर लुक अगर मिल रहा है तो आप लुक वहां से देख सकते हैं। उसके बाद आपको सबका रिव्यू पढ़ लेना है, तो सबका टोटल का रिव्यू पढ़ना है। तो यहाँ देख रहे हैं आप बहुत सारे लोग कहे कि क्वालिटी नॉट गुड, तो आप ऐसे ना कर दे। इस तरह से आप क्लॉथ सर्च कर सकते हैं उसका रिव्यू देख के। जैसे अब मैं आपको टी शर्ट सर्च करके दिखाता हूँ कि टी शर्ट में कोई भी क्लॉथ अगर हम लेते हैं तो उसको किस तरह से सर्च करते हैं। जैसे टी शर्ट हम कोई भी कम दाम का लेकर लेते हैं, जैसे ये ऊपर में है
585 का है, तो इसका हमको क्या देखना है, इसका देखिए रेटिंग यहाँ पे 3.9 है, तो क्वालिटी लगभग बढ़िया होगी। इसके बाद आपको हमको नीचे जाके उसका क्या देखना है, लुक देखना है, तो क्वालिटी और लुक दो ही चीज मायने रखते हैं। तो आप देख रहे हैं इसका लुक बहुत ही फैंटास्टिक, तो आप देख रहे हैं इसका लुक बहुत ही बढ़िया लुक है, तो इस तरह से आप देख के खरीद सकते हैं। दो चीज मेन, तीन चीज मेन है, रेटिंग, रिव्यू और लुक। तो ये सब देखने के बाद आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी ये टी शर्ट कैसा लगेगा, तो इस तरह से आप अपना देख के खरीद सकते हैं। तो यही दो तीन ट्रिक है जिससे कि अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको क्वालिटी बढ़िया मिलेगा, यही दो तीन। और अगर आप कोई भी सामान ऐसे बिना उसका रिव्यू चेक किए या उसका लुक चेक किए या क्वालिटी चेक किए अगर आप खरीद लेते हैं तो वो शायद सही सामान निकल जाए, शायद खराब सामान भी निकल जाए, क्वालिटी सही नहीं निकले। लेकिन अगर ये आप चेक करके लेते तो 100% गारंटी है कि क्वालिटी सही निकलेगी। तो कैसा लगा ये ट्रिक आपको, अगर आप ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई जानकारी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मैं अपने इंस्टाग्राम का नीचे लिंक दे दूंगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। हाय बाबू कैसे हो मेरे सोना, बिन बात किए तुमसे मुझे आ रहा है रोना, तुमको मेरी कसम जरा सा भी ना रोना। हेलो हाय बाबू कैसे हो मेरे सोना, बिन बात किए तुमसे मुझे आ रहा है रोना, अरे इतना तो करता प्यार और करे क्या। सुनो ना, बोलो कॉल करे क्या। क्या कॉल न की हो, कॉल करे क्या, कॉल न की हो, ना 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 कॉल करे क्या, कॉल ना की हो। अरे मम्मी से छुप के फोन किए हैं तो कॉल करे क्या। कॉल न की हो। तू तो बड़ा भोला है, कुछ नहीं समझता है, तुझको समझाने का रब जाने क्या रास्ता है। हाँ क्या बोली, कॉल करे क्या, कॉल करे क्या बाबू, कॉल करे क्या, कॉल करे क्या सोना, कॉल करे क्या। काहे को प्यार में सताती हो तुम, करना है क्या कुछ बताती ना तुम। बैलेंस खत्म था, मैंने लोन लिया है, मम्मी से छुप के मैंने फोन किया है। डरती तुम मम्मी से, हम भी डरे क्या। नहीं फिर कॉल करें क्या। अरे कॉल करे क्या बाबू, कॉल करे क्या, कॉल करे क्या सोना, कॉल करे क्या। अरे कॉल ना की हो। अगल बगल कोई है क्या। नहीं। बिजी तो नहीं हो। नहीं। फ्री हो ना। अरे फ्री है तभी तो उठाए हैं। तो बताते क्यों नहीं। क्या कॉल करे क्या, कॉल करे क्या, कॉल ना की हो। ना ना ना, अरे कॉल करे क्या, कॉल ना की हो। बातों से बोर हो गया, रात से लगे लगे भोर हो गया। खाली टाइम पास करते हो तुम, छोटी छोटी बातों पे लड़ते हो तुम। बोल मेरी जान अब हम डूब मरे क्या। नहीं फिर कॉल करे क्या, कॉल करे क्या बाबू, कॉल करे क्या, कॉल करे क्या सोना, कॉल करे क्या। चुप चुप चुप, ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप। गुस्साते क्यों हो। क्यों ना गुस्साऊं, ये क्या है, कॉल लिया ना, तब से कॉल करे क्या, कॉल करे क्या, कॉल करे क्या। अरे हम तो वीडियो कॉल का बात कर रहे थे।